जय श्री कृष्ण दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के महा उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करिए पांच उपाय, होगी मनोकामना पूर्ण तथा धन लक्ष्मी व कुबेर का खजाना होगा आपके पास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जगत के पालनहार अपने भक्तों को सुख समृद्धि, यश ऐश्वर्य, धन तथा सद्बुद्धि और वरदान देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान, दीपदान, पूजा, आरती और हवन आदि करने से बहुत महत्व माना गया है। इस दिन यदि आप कर्ज से मुक्ति होकर धनवान बनने की राशा खोलने चाहते हैं तो जरूर करिए एक पांच उपाय। पहला उपाय है दीपदान करना। पवित्र नदी में दीपों को प्रवाहित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में धन वृद्धि होती है, इसीलिए भी कहते हैं कि दीपदान बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की लिए दीपदान करना बहुत आवश्यक है। दूसरा है लक्ष्मी भोग। लक्ष्मी भोग यानी कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होते ही और उसके बाद मिश्री तथा खीर व गंगाजल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और सुबह उसको उसका भक्षण करना चाहिए। तीसरा है स्नान। इस दिन गंगा या जमुना तट पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं, तन रोग दूर होते हैं और धन समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। चौथा है पीपल में दूध जल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उसकी मां लक्ष्मी पर माँ लक्ष्मी की उस पर बहुत अधिक कृपा होती है। और आखिरी है द्वार सजाएं, यानी घर का जो मुख्य द्वार होता है इस दिन द्वार पर जो है फूल पत्ते वगैरह लगाना चाहिए, उसे फूलों से सजाएं। द्वार देहरी जिसे कहते हैं, दाएं और बाएं और दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। द्वार पर सुंदर सी रंगोली बनवाएं, इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं, नवग्रह प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन ये पांच उपाय आपके जीवन के सभी सुखों के द्वार खोल देंगे और आपको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।